स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टूर अपडेट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड मॉडर्न स्कूल शिक्षा भर्ती के बारे में, जो कि 2023 में ये जारी की गई है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि कब ये वैकेंसी निकल के आएगी, तो ये देखिए फाइनली जो है वैकेंसी निकल के आ गई है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें से शिक्षा विभाग ने ये वैकेंसी जो है जारी कर दी गई है। ये आपका विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। क्या वेतन होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, उम्र क्या होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए इसकी नोटिफिकेशन दिखाते हैं और सारी बातें आपको एक एक करके इसकी नोटिफिकेशन बताते हैं कि क्या अप्लाई करने की प्रोसेस होगी, सारी चीज़ें एक एक करके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए इसकी नोटिफिकेशन की बात करते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन में दिए गए आदर्श विद्यालय योग्यता अंतर्गत जिला के उत्कृष्ट विद्यालयों में जो ये आपका प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय में संविदा आधारित जो है शिक्षक की चयन हेतु आवश्यक सूचनाएं जारी कर दी गई है, ठीक है। क्या क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट का निकाला गया है इसके बारे में अगर बात करें तो देख सकते हैं कि ये जो है सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन की गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, देख पा रहे हैं संस्कृत, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फिजिक्स, एजुकेशनल, जैसे कि देख पा रहे हैं ये सारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे TGT के लिए जारी की गई है और एक तरफ जो है PGT के लिए जारी की गई है, जिसमें से यहाँ पे देख पा रहे हैं PGT के लिए जो है यहाँ पे मेंशन की गई है ऑल सब्जेक्ट का, जिसमें 26 सीटें निकाली गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर TGT की अगर बात करें तो ये जो है आपका 41 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें तो PGT के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होगी, तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान से योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से देख सकते हैं संबंधित विषयों पे जो है चयन होना ये आपका दी गई है, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, न्यूनतम जो है 50 आपका यहाँ पर % जो है अंक होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में, जो कि रिलेटेड सब्जेक्ट में, ठीक है। इसमें दी गई है कि ST SC के लिए 45% यहाँ पे अनिवार्य है, साथ ही साथ यहाँ पे BEd होना ये आपका यहाँ पे कंपलसरी रखी गई है, वो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। TGT के लिए सेम है, जैसे कि देख सकते हैं इसमें जो है ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ST SC के लिए 40% रखा गया है और जनरल के लिए 45% रखा गया है। साथ ही यहाँ पे दिया गया है कि BEd के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि BEd जो कर लिए हैं वैसे कैंडिडेट यहाँ पर BEd भी कंपलसरी रखी गई है। उम्र सीमा की अगर बात करें तो 21 से 55 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है 31/2/2022 से काउंट किया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेतन की बात कर ले तो वेतन यहाँ पे दिया गया है कि PGT के लिए जो है 27,500 रखा गया है और TGT के लिए 26,250 रखी गई है। देख पा रहे हैं यहाँ पे दी गई है कि संविदा शिक्षकों की निर्धारिता जो है यहाँ पे कर्तव्य एवं दायित्व जो है ये आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है क्या क्या होनी चाहिए। साथ ही चयन हेतु यहाँ पे निर्देश भी दिया गया है कि क्या चयन की आपका यहाँ पे प्रक्रिया होगी और क्या क्या यहाँ पे प्रक्रिया दी गई है वो सारी यहाँ पे मेंशन की गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदन कैसे करना है और इसके बारे में बात कर लेते हैं डिटेल्स में। आवेदन करने के लिए जो है आपका 25/1/2023 तक आपका डेट दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। निबंधित डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। कहाँ पे भेजनी है अगर बात करें तो जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यालय पदाधिकारी समग्र शिक्षा ये अभी अभियान गुमला में आपको यहाँ पे आपको आवेदन भेजनी है, ठीक है। वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, पूरा यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आवेदन करने की आपका दी गई है। अगर बात करें फ़ी की, कैसे आपको फ़ी यहाँ पे देना है, तो फ़ी जो है आपका यहाँ पे 100 रुपीज़ लगेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ST SC के लिए 50 रुपीज़ लगेगी, ठीक है। ये आपका डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप यहाँ पे आपको भेजना है या बैंक चालान के माध्यम से आपको भेजनी है, ठीक है। ये आपका यहाँ मेंशन किया गया जिला शिक्षा पदाधिकारी गुमला के नाम पर जो है पे वेल एट जो है गुमला होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि टीचर के वैकेंसी से रिलेटेड है। आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना था। इस तरह का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था। धन्यवाद।